देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज। सारा संसार समस्या है लेकिन गीता समाधान। गीता मनुष्य जीवन को परिपूर्णता प्रदान करती है। दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं जो गीता की चाबी से नहीं खुलता हो। गीता मास्टर की है। हमारी आसक्ति यदि सत्ता, सती और सौंदर्य में रहेगी तो कभी सुख नहीं मिल पाएगा, लेकिन यदि हमने अपने कर्मों का समर्पण परमात्मा में कर दिया तो कभी दुख नहीं मिल पाएगा। गीता हमको किसी कर्म करने से नहीं रोकती, लेकिन यदि उन कर्मों का क्रियान्वयन हम परमात्मा को याद करते हुए करेंगे तो हर कर्म सार्थक बन जाएगा। गीता ने मनुष्य जीवन को कृतार्थ किया है, ये दिव्य विचार है अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज के, जो उन्होंने आज गीता भवन में 66वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ करते हुए व्यक्त किए। श्री वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव आचार्य द्वितीय पीठ युवराज गोस्वामी वागधीश बाबा श्री उदयपुर ने कहा कि गीता में आध्यात्म, योग, उपासना, ज्ञान और भक्ति का अद्भुत समावेश है। मानव जीवन में धर्म और आध्यात्म, ज्ञान व परोपकार और भक्ति जैसे गुणों से ही व्यक्ति का विकास संभव है। धर्म के माध्यम से विज्ञान के क्षेत्र में भी अनेक प्रयोग किए गए हैं। योग, आयुर्वेद, आचार विचार, आहार विहार से भी मानव स्वयं को स्वस्थ रख सकता है। सभी जीवों में दया का स्वभाव होना चाहिए। गुरु, संत एवं वृद्ध की सेवा कभी निष्फल नहीं होती। आज देश में हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक कल्याण कोष स्थापित किया जाना चाहिए। गीता हर युग में प्रासंगिक और सनातन ग्रंथ है। नेमिशरण्य से आए स्वामी पुरुषोत्तमानंद, डाकोर से आए वेदांताचार्य स्वामी देवकी नंदन दास, अजमेर से आई साध्वी अनादि सरस्वती, गोधरा गुजरात से आई साध्वी परमानंदा सरस्वती, रामकृष्ण मिशन इंदौर के सचिव स्वामी निर्विकारानंद महाराज, युवा वैष्णवाचार्य द्वितीय पीठ युवराज गोस्वामी वागधीश बाबा श्री, आगरा के स्वामी हरियोगी, अखंड धाम इंदौर के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप एवं संत मंडली की मौजूदगी में वैदिक मंगलाचरण एवं शंख ध्वनि के बीच 66वें अखिल भारतीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ संपन्न हुआ। जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज के साथ संतों एवं गीता भवन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन किया। अतिथि संतों का स्वागत गीता भवन ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष राम एरन, मंत्री रामविलास राठी, कोषाध्यक्ष मनोहर बाहेती, संरक्षक ट्रस्टी गोपाल दास मित्तल एवं न्यासी मंडल के टीकम चंद गर्ग, दिनेश मित्तल, हरीश माहेश्वरी, महेश चंद्र शास्त्री, संजीव कोहली, राजेश गर्ग, केटी, पवन सिंघानिया आदि ने किया। सत्संग समिति की ओर से रामकिशोर राठी, रामस्वरूप धूत, अरविंद नागपाल, जेपी फड़िया, त्रिलोकीनाथ कपूर, सुभाष छवर, मुकेश कचौलिया, राजकुमार साबू आदि ने भी संतों का स्वागत किया। गीता जयंती महोत्सव के साथ ही आज से आचार्य पंडित कल्याण दत्त शास्त्री के निर्देशन में 7 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ भी हुआ। महोत्सव में संतों के प्रवचन प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5:30 बजे तक होंगे। विष्णु महायज्ञ सुबह 8 से दोपहर 12 बजे एवं दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगा। गीता जयंती महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, आज इसका प्रथम दिवस है, आप भी आए हैं, क्या संदेश है आज आपका सभी के लिए? गीता जयंती का गीता भवन ट्रस्ट द्वारा इंदौर में खूब सुंदर आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित होता रहता है और इसकी स्थापना सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं गीता जी के प्रचार प्रसार के लिए हुई है। खूब आनंद का विषय है, 66 वर्ष खूब आनंद से बड़े बड़े धर्माचार्यों के सानिध्य में व्यतीत हुए हैं गीता भवन ट्रस्ट के माध्यम से। मुख्य संदेश इस परिप्रेक्ष्य में हमारा यही है कि आज के संदर्भ में जहां सनातन धर्म के विषय में अनेक भ्रांतियां फैलाई जा रही है विधर्मियों के माध्यम से, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जहां सभी संतों का समागम होता है और भक्तों का समागम होता है, त्रिवेणी संगम होता है, और उसके माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार एवं जो प्रासंगिक जो दुष्प्रचार की व्यवस्थाएं फैलाई जा रही हैं वो सत्प्रचार के माध्यम से उनको हटाया जाता है, स्वधर्म क्या है उसका ज्ञान दिया जाता है एवं हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, साथ ही जो हमारे यहाँ जितने भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं वह अलग अलग होकर भटक रहे हैं उनको एकजुट करने का प्रयास इसमें है।
और उसके उद्देश्य में सफल हो रहा है। गीता जयंती जो है, गीता का मूल सार सभी के लिए सारगर्भित है, कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कर, क्या इसके लिए आपका क्या संदेश है? गीता एक सार्वकालिक महान ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से, जो अपने आप में हमारे यहाँ वेद आदि में परब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। तो गीता के माध्यम से मुख्यतः कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, योग, सांख्य, इन सभी का ज्ञान भगवान ने दिया और उसके माध्यम से कर्तव्य पथ पर चलने का आपने उपदेश दिया है। स्नेह से, प्रेम से सबको साथ में रखते हुए, सहिष्णुता के साथ में रहते हुए, स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह इत्यादि का आप संदेश दे रहे हैं, तो यही इसका मूल सार है। गीता भवन में 7 दिनों तक लगातार सामाजिक सरोकार के जुड़े मुद्दों पर संकल्प भी लिए जाएंगे। वर्तमान में युवाओं में नशाखोरी की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैंने जैसा बताया, भगवद गीता जो है एक सर्वोपादेय ग्रंथ भी है, सर्वकालिक ग्रंथ भी है, महान ग्रंथ है, तो इसी में सबके लिए ही संदेश है। भगवद गीता जी में ही भगवान देवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि के बीच में भेद बताते हैं और वहाँ भेद बताते हुए कहते हैं कि देवी सृष्टि है वो तो सत्कर्मों में प्रवृत्त रहती हैं और आसुरी जो सृष्टि है वो कहाँ लगना चाहिए, कहाँ से निकलना चाहिए वो नहीं जानते, इसीलिए वे सब तामस प्रवृत्तियों में जुड़े रहते हैं। अब शराब पीना इत्यादि जो है तामस प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है, जिससे कि हमारा मन जो है वो भ्रांत हो जाता है, शरीर के अंदर अनेक नुकसान होते हैं। नशाखोरी की प्रवृत्ति जो है जो बढ़ती जा रही है वो निश्चय ही हमारे युवाओं को खा रही है, समाज के लिए एक बड़ी विडंबना है और एक कलंक है, जिसको कि सदग्रंथों के गीता जी के माध्यम से भगवान उपदेश कर रहे हैं, इसको हमको जो गलत प्रवृत्ति ये समाज में चल रही है उसको निकालना चाहिए और सत प्रवृत्ति की ओर जाना चाहिए। आपने सनातन धर्म की बात की, कुछ नेता जो है वो सनातन धर्म को मिटाने की भी बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सनातन धर्म को लेकर, आपका क्या मूल संदेश क्या रहेगा? देखिए, सनातन धर्म जैसा नाम से ही प्रसिद्ध है, यह सनातन है, पहले था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। कोई भी माइकेलाल की ये ताकत नहीं है कि वह सनातन संस्कृति को हटा सके और मिटा सके, ऐसे कितने ही आए और कितने ही गए। हमारा संदेश तो यही है कि यह हमारी जो संस्कृति है बहुत सहिष्णुता की है। आज ऐसा कोई दूसरे धर्म के लिए यदि बोल देता तो आज जो है तन जो है सर से जुदा, जो सर से तन से जुदा वो स्थिति हो जाती। हमारे यहाँ सब सहिष्णु हैं, इस बात को ध्यान में रखते हैं और कानून के अंतर्गत चलते हुए, पर फिर भी इन नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू सनातन धर्मावलंबी जनता के जो सहिष्णुता है उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है और लव जिहाद जैसी घटनाएं इंदौर जैसे शहर में भी लगातार सामने आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? लव जिहाद एक फैलता हुआ जहर है जो कि हमारे हिंदू समाज में एक टारगेट के तहत फैलाया जा रहा है। वह टारगेट जो विधर्मी हैं अपने धर्म को फैलाना चाह रहे हैं और जो हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं और हिंदू सनातन धर्म हैं उसको जड़ से उखाड़ने की जो बात की जा रही है उस टारगेट के तहत वो किया जा रहा है। तो हमारे जो समाज के अंदर जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, परिणित हो अपरिणित हो, उनके लिए हमारा यही संदेश है कि अपने स्वधर्म को जानें, समझें, अपने माता पिता से पूछें और माता पिता भी अपने बच्चों के साथ संवाद स्थापित करके और परस्पर उनकी जो भ्रांतियां उनका उन्मूलन करें और उनको स्वधर्म सिखाएं, तभी यह सब मिट सकता है। गीता जयंती महोत्सव 66वां वर्ष है। पिछले 66 वर्षों से लगातार गीता जयंती महोत्सव गीता भवन इंदौर में मनाया जा रहा है। इसका प्रारंभ बाबा बाल मुकुंद जी द्वारा किया गया था। आज इस गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ शाहपुर पीठाधीश्वर जगतगुरु रामदयाल जी महाराज के द्वारा किया गया, साथ में अखंड धाम के श्री चेतन स्वरूप जी महाराज,
गोधरा से परमानंदा जी और कई अन्य साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त। और यहाँ पर 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक प्रतिदिन 1 बजे से शाम के 6 बजे तक सभी विद्वान संतों के प्रवचन होंगे। 27 तारीख को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष श्री गोविंद देवगिरी जी भी यहाँ प्रवचन के लिए पधार रहे हैं। वो भी प्रतिवर्ष आते हैं और उनका हम पर आशीर्वाद बना हुआ है। 23 तारीख से 25 तारीख तक पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्री निश्चलानंद जी सरस्वती महाराज भी यहाँ पधार रहे हैं और वो भी अपने प्रवचन से जनता को लाभ देंगे। आपका परिचय? रामचंद्र एरन, अध्यक्ष गीता वन ट्रस्ट इंदौर। भारतीय गीता जयंती महोत्सव आदरणीय महापुरुष अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेह संप्रदायाचार्य शाहपुरा पीठाधीश स्वामी रामदयाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ है 1 बजे और ये सतत जो है 21 से 27 तक चलेगा प्रवचन, दोपहर में 1 बजे से शाम को 6 बजे तक। और इसमें अनेक संत महापुरुष पधार रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य श्री जगन्नाथपुरी से निश्चल जी महाराज जी पधारेंगे 2 दिन के लिए, गोविंद देवगिरी जी जो राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष है वो भी पधारेंगे, और सूरत से बल्लभाचार्य जी महाराज जो हैं वल्लभराय जी महाराज वो भी 2 दिन के लिए पधारेंगे, और विजय शंकर जी मेहता वो जो है वो भी कल पधारेंगे, वो भी प्रवचन देंगे, और अन्य संत 40-50 संत पधारे हुए हैं, उनका सबका प्रवचन सुबह 1 से शाम को 6 बजे तक सतत चलता रहेगा। और गीता जयंती का मुख्य पर्व मोक्षदा एकादशी जो 23 तारीख को है, 23 तारीख शनिवार, जो सुबह 8 से 10:30 बजे तक गीता जी का 18 अध्याय का पाठ होगा, एवं उसके बाद में सतत जो प्रवचन होते हैं 1 से 6 तक प्रवचन चलेंगे। प्रतिदिन सामाजिक सरोकार से मुद्दों को लेकर संकल्प भी लिया जाएगा क्या गिरिजा? हाँ, प्रतिदिन हर एक मुद्दे को लेकर के हम संकल्प लेंगे, वो शाम को समापन के समय श्री रामदयाल जी महाराज की नेतृत्व में लिया जाएगा। 7ों दिन 7 मुद्दों पर हम जो है शपथ जनता के साथ लेंगे। आपका परिचय? रामविलास राठी, गीता वन ट्रस्ट का महामंत्री। मैं हूँ सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।